पंजाब च बिजली कट्टां नूं लैके नवजोत सिंह सिद्धू का निशाना एक बार फिर तो सामने आया। पंजाब च पावर कट्टां की लोड़ ना पवे जेकर सही तरीके दे नाल अमल किया जाए। बादल सरकार ने 3 निजी थर्मल प्लांटां नाल समझौता किया सीगा। गलत समझौतिया कारण पंजाब 2020 तक 5400 करोड़ रुपए खर्च चुका है। बिजली समझौतिया नूं रद्द करन लई विधानसभा च नवा कानून लिया जा सकता है। ये नवजोत सिंह सिद्धू वालों यह जो ट्वीट करके बादल सरकार दे उत्ते ते मौजूदा पंजाब सरकार दे उत्ते भी निशाने साधे गए ने। हमलावर होए ने नवजोत सिंह सिद्धू अज श्रोमणी अकाली दल वालों प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस ते नवजोत सिंह सिद्धू ने चुटकी ली है। सो इस दे वधेरे जानकारी लई मेरे नाल मेरे सहयोगी नितिका महेश्वरी साडे नाल जुड़ चुके ने। जी नितिका, एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट सामने आया, तो ट्वीट अपनी ही सरकार ते नाल ही बादल सरकार ते निशाने साधे गए ने। जो समझौते हुए ने वो समझौते गलत हुए ने, यह कहना है नवजोत सिंह सिद्धू का बादल सरकार दे समय। बिल्कुल परम जी, नवजोत सिंह सिद्धू की गल की जाए, उन्होंने वालों अज नौ ट्वीट जड़े एक तो किए गए हैं, जिस विच ना सिर्फ उन्होंने अपनी सरकार को घेरे है बल्कि जेड़े एग्रीमेंट अकाली भाजपा ने किए थे उसको लेकर भी उन्होंने सवाल चुके हैं। क्योंकि बार बार यह किया जाता था कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी कहते थे कि वाइट पेपर जो आम आदमी पार्टी कहते थे वाइट पेपर क्यों नहीं लेके आते, जो तुम लगता है कि एग्रीमेंट सही नहीं किए हुए, तो हाले तक इसको खत्म क्यों नहीं किया गया, इन एग्रीमेंट्स को खत्म क्यों नहीं किया गया, इसको लेकर हर कोई सवाल चुक रहा है। पर नवजोत सिंह सिद्धू दस रहे हैं कि असं किस तरह सानू पावर कट की जरूरत नहीं, असं किवें बिजली नू इस्तेमाल बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लेके उन्होंने वालों भी दसाया गया है कि सोलर से बायोमास एनर्जी जी है पंजाब की वो अनयूटिलाइज है, जिसको यूटिलाइज करना चाहिए। इस ही उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली मॉडल पंजाब को अपनाने की जरूरत नहीं बल्कि पंजाब को अपना ओरिजिनल मॉडल जोड़ा है लिया की जरूरत है। क्योंकि पंजाब से दिल्ली का उन्होंने कंपेरिजन करते हुए दसाया है कि पंजाब 9000 करोड़ की पावर सब्सिडी दिता है, जबकि जे दिल्ली की गल की जाए 1699 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है। इसलिए दिल्ली का मॉडल असं नहीं यूज कर सकते, इसको लेके नवजोत सिंह सिद्धू ने किया है। क्योंकि अज जे गल की जाए श्रोमणी अकाली दल वालों थां थां प्रदर्शन किया जा रहा है, पंजाब सरकार को घेरन की कोशिश की जा रही है, तो नाल ही जे आदेश कल पंजाब के मुख्यमंत्री ने जारी किए ने कि सरकारी ऑफिस किन्ने समय तक खुले रहेंगे, जो एसी का इस्तेमाल नहीं होगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने इसको लेके भी किया है कि अजे ऑर्डर जारी करने की जरूरत नहीं थी, ऑफिस टाइमिंग जीडिया ने उसको रेगुलेट करने की या फिर एसी यूज करने लैके इस तरह की डायरेक्शन जीडिया पास करने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत थोड़ा धन्यवाद नितिका, तुसीं वधेरे जानकारी दित्ती है। सो दर्शकों दस दिए कि नवजोत सिंह सिद्धू वालों ट्वीट करके एक बार फिर तो निशाने साधे गए ने। निशाने इस बार बिजली कट्टां नूं लैके ते बिजली नूं लैके साधे गए ने। पावर कट्टां दी लोड़ ना पवे जेकर सही तरीके नाल अमल किया जाए। बादल सरकार दे उत्ते निशाने साधे ने कि 3 थर्मल प्लांट नाल जिहड़े समझौते किए ने, उन्हां समझौतिया कारण हुण तक 5400 करोड़ रुपए पंजाब सरकार दे चुकी है। 2020 तक पावर कट्टां दी लोड़ ही ना पवे जेकर सही तरीके नाल अमल होवे, यह कहना है नवजोत सिंह सिद्धू का। सो इसे ते वधेरे जानकारी लई ते साडे नाल जुड़ चुके ने श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर बुलारे चरणजीत सिंह बराड़ साडे नाल जुड़ चुके ने। बराड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। जी बहुत धन्यवाद जी। बराड़ साहब, नवजोत सिंह सिद्धू ट्वीट कीता है, एक तो अपनी सरकार दे उत्ते वरे ने, एक पासे श्रोमणी अकाली दल वालों समुचे पंजाब दे विच सूबे दे विच बिजली संकट नूं लैके प्रदर्शन किए जा रहे हैं, पर किते ना किते नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके कहा है कि जे वो अज हालात ने यह बादल सरकार दे वेले जो समझौते हुए ने 3 पावर प्लांटा दे उहदे कारण यह अज हालात बने हुए ने, और समझौते जिहड़े ने गलत किए गए ने। 2020 तक जो 5400 करोड़ रुपया हाले तक सरकार दे चुकी है, यह कहना है नवजोत सिंह सिद्धू का, किवें देखदे हो? सब तो पहला तो मैं जी मीडिया के राही साढ़े पंजाब के सारे वर्कर साहबाना का लीडर साहबाना का धनवाद करूँगा, जिहड़े हजारों की गिनती के सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब के सदे से अज पंजाब के बिजली के नाकस प्रबंधों के खिलाफ
43 डिग्री 44 डिग्री टैंपरेचर दे विच सड़कां ते उतरे ने और जिहड़ा लोकां नूं वड्डे कट्टां दा सहारा मतलब झेलना पै रहा है। मैं कल शहरां दे विच गया सी तां 500 तों 1000 रुपया डेली एक दुकानदार नूं वी डीजल साड़ना पै रहा जनरेटर दा, नवें जनरेटर खरीदने पै रहे ने। इसे तरह किसान दा खेतां दे विच झोना सुक रहा है, फसल जिहड़ी है अगली होण दी आस नहीं है। इहदे विच असीं सारे वर्गां दे नाल खड़े होकर श्रोमणी अकाली दल वल्लों सरकार दे खिलाफ मुजाहरा कीता और बड़े कामयाब मुजाहरे होए आ, जिहदे विच मैं समझदा कि सारे पंजाब दे वर्करां दा लीडरां दा धन्नवाद करना पैंदा। और मैं थोड़ी थानू भी बेनती करूंगा, एक पासे लखां सारे पंजाब दे विच्चों वर्कर जिहड़े है वह कट्ठे होए आ, एक पासे पंजाब सरकार दे विच्चों बिजली मंत्री दे तौर पर भगौड़ा होया नवजोत सिद्धू दे ट्वीट नूं आपां डिस्कस करके लखां लोकां दी तुहीन करन दे बराबर है। बिजली मंत्री इहनूं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बनाता सी, इहने चार्ज नहीं लिया। अगर साडे वेले कोई जे एग्रीमेंट गलत होए सी तां इहदे वेले कोले बड़ा वड्डा मौका सी कि बिजली मंत्री दा चार्ज लैंदा ते सब तों पहलां जिहड़े गलत सीगे एग्रीमेंट उहनां नूं तोड़दा, पर इहनूं पता सी वी मैनूं तोड़ सकदा ते ना इह गलत हैगे है। कल्ला भंडी प्रचार करना उह मैं करदे रहिणा, उह पासे रहि के रहिणा। इस करके इह पंजाब सरकार दा पंजाब दा लोकां दा भगौड़ा बंदा है ते इहदे 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 ट्वीटां ते क्यों आपां चर्चा करन लगे ते चर्चा करो। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਰਾਤਾਂ ਭਰ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ 10-10 11-11 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਜੋ ਸਨਅਤ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜੋ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵੀ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਤੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੋਟਲ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਨਗੇ, 1947 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 2007 ਤੱਕ 6200 ਤੇ 1 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 2007 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 12,392 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 219 ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਾਏ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੀ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਫੜੀ ਹੈ, 32% ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਸਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 16% ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ 18-20% ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਤੇ। ਹੈਲੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਤੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਜੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
देखो गल दसा की है जी, नवजोत सिद्धू ने जो कहा, क्योंकि गल यह है कि मैं उन्होंने गल से कोई कमेंट नहीं कर सकता, पर गल यह है कि अज पंजाब दे विच पावर क्राइसिस जरूर चल रहा वा। पावर क्राइसिस के दो तीन रीजन ने, जिससे सब तो वड्डा रीजन है कि मानसून का डिले, पिछों पानी की सप्लाई ना प्रॉपर होने करके, इलैक्ट्रिसिटी प्रॉपर ना बन करके, तो साड़ी जी प्रोडक्शन है वो पूरी हैगी नियर अबाउट 1300 कुछ मेगावाट, तो इस वे डिमांड 1450 तो भी उपर टप चुकी है। इस करके ही कल सीएम साहब ने कुछ कर्जे फैसले ले सके, जिस दफ्तर अभी 802 करते, तो होर इशू से वह चीज़ों के रिलेटिड चीज़ा चल रही ने, जितों तक पावर परचेज एग्रीमेंट या बाकी चीज़ों की गल आ उससे डिस्कशन चलती पई है ऑलरेडी, उससे कुछ लकूनास है ने। हूँ बराड़ साहब मैं पता नहीं, मैं सुनया नहीं बराड़ साहब ने की किया पहला, पर गल यह है कि उस साल पंजाब को आर्थिक बोझ तो पिया ही है, बदलना चाहती रद्द करना चाहती हो भी सकते सीगे। मान दे मैं एक गल कह रहा कि जे पंजाब सरकार उस समझौतिया रद्द कर दी तो पंजाब सरकार 45,000 करोड़ रुपया उन्हें कंपनियां सीधी अदायगी करनी पै जानी सी, जेड़ा इन्होंने उस क्लॉज पाया, कलॉज के अनुसार इन्होंने 20,000-25,000 करोड़ की पेमेंट लेके आए ने, इनवेस्ट किया वा पंजाब दे विच, ठीक है नो डाउट, पर जेडे कंडीशन लॉ पॉइंट के अकॉर्डिंगली बहुत सख्त बनाती है इन्होंने कि उस आप बाहर नहीं जा सकते, पर जेडे पॉइंट से बिजली के रिलेटिड कि इन्होंने बंद करता तो और असं की डैमेज कंट्रोल पावे, वो सानू पिछे कोल वॉशिंग के भी चार्जिस पे, होर कई इशूज के उपर चार्जिस पे ने, पर आने वाले दिनों के मैं कह रहा कि इस उपर वर्कआउट चल रहा। सीएम साहब बहुत ही ज्यादा सख्त ने इस चीज के उपर आज दी दे, उन्होंने कल ईवनिंग के भी मीटिंग की है, आने वाले दिनों के भी मीटिंग कर रही है, जो प्रॉपर एरा दुध का दुध पानी का पानी आने वाले दिनों चीजी ना जी जी बिल्कुल। गलबात असी प्रितपाल सिंह होना दे नाल दुबारा तो करांगे, साडे नाल बराड़ साहब मौजूद ने, बराड़ साहब तो एक सवाल जरूर ले लैने आ। बराड़ साहब, बिजली समझौतियां नूं रद्द करन लई विधानसभा च नवां कानून लियांदा जा सकदा है, यह कहना है नवजोत सिंह सिद्धू दा, इस नूं कीवें देखदे हो कि नवां कानून आ सकदा है, रद्द हो सकदे ने, तुसीं मानदे हो? देखो मैं एक बेनती करा, सरकार जे चाहती है जां जे लगता उन्हां नूं कुछ गलत कीता तां एक मिंट च कर सकती है, पर तुहाडे सामने है कि जिहड़े सेवा केंद्रां दे समझौते कीते सी वो भी इसे तरह ही एग्रीमेंट किए थे गवर्नमेंट ने, तो इन्होंने वो एक मिनट लाया बंद कर, जी लोगों की सहूलत थी बड़ी नेड़े मिलती थी वो तो बंद करते, ये क्यों नहीं किए जे गलत हो। मैं एक गल कह दिया जे सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब इस पासे एफर्ट्स ना लेंदे और जे ना ये थर्मल प्लांट लगते तो फिर की पंजाब का हालात होंदा, उदों तीन तीन चार चार दिनों के कट लगते थे, 12-12, 14-14 रुपये बिजली खरीद के भी असं 5 रुपए के भाव ही लोगों को देंदे रहे हैं। मैं फिर दोहरा दिया कि उही एग्रीमेंट साडे वेले सी, असीं 5 रुपये बिजली दिंदे सी, अज एग्रीमेंटां दी आड़ दे विच इह 12-14 रुपये दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? एक दूजी बेनती मैं ये कर दिया, जिहड़े कोल वाशिंग दे कह रहे हैं जां कोल खान दे करके इन्हां नूं 4400 करोड़ रुपए का ये तो कहिंदे आ सानूं देने पै रहे, मैं असीं कह रहे हैं कि घपला होया, एक अदालतां दे नाल रल के इन्हां नूं प्राइवेट लोगों को फायदा दे के अंडर दी टेबल पता नहीं की लिया। एक केस ऐसा सीगा मैं थोड़े ध्यान च लिया दिया, 2017 दे विच जिहड़ी ट्रिब्यूनल ने एक फैसला देता तो उहदी अपील करनी सी हाई कोर्ट, 2.5 साल अपील ही नहीं की, 1 साल तिकर करनी हुंदी है, 2.5 साल जदों अपील ना की, जदों 2.5 सालों बाद कितें जाग आई ते मानयोग हाई कोर्ट ने फाइल भगा के मारी, ते उस फाइल भगा के जिहड़ी मारनी सी वो पंजाब के लोगों के सिर 1600 करोड़ रुपये की पई। इसे तरह बाकी के फैसले से जिहड़े मानयोग सुप्रीम कोर्ट के जाके हारे, उत्थे जाके कहिंदे साडे कोले कोल नूं मेजरमेंट करन लई कोई चीज है नहीं, भी यह किन्ना इहदे च वाशिंग हैगी कि नहीं हैगी, हालांकि साडे वेले तो वह वाशिंग होके ही मिलती सी, ते कलॉज भी सी उहदे विच कि कोल वाशिंग ही देना है, ते फिर भी इस केस हार के आ गए, उहदे नाल किन्ने 2600 करोड़ का जिहड़ा सी पै गया बोझ। इस करके पंजाब सरकार जाण बुझ के पंजाब का पैसा शरमाया लटा रही है और पंजाब के वल ध्यान नहीं, तो मैं थानू हाथ जोड़ के मीडिया को बेनती करूंगा, लखां लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लखां लोग तंग ने, तो यह जिहड़ा बिजली मंत्री के तौर पर भगौड़ा होया नवजोत सिंह सिद्धू, कृपा करके जी 3 लाइन लिख देंदे तो सारा मीडिया उहदियां गल्लां दे मगर लग जांदा, इहदे ते ध्यान दिया ना दिया करो, कोई ट्वीट जे थोड़ा वो सुनता है
ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।